Hey guys, I'm Sheenam. Welcome back to my channel. I hope you all are doing good. तो आज हम बनाएंगे तंदूरी चिकन टिक्का बिना किसी तंदूर या बिना किसी ओवन के, बहुत ही ईजी मेथड से. बहुत ही जल्दी ये बन के रेडी हो जाता है और बहुत ही जूसी और बहुत ही सॉफ्ट चिकन बनता है. अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. चलिए रेसिपी शुरू करते हैं. तो यहाँ पर मैंने 1/2 kg चिकन लिया है. तो पहले फर्स्ट मैरिनेशन कर लेते हैं. इसको मैंने छोटे छोटे पीसीज में कट कर लिया था और अच्छे से धो भी लिया था. सबसे पहले हम डालेंगे 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट. 1 ही चम्मच डालेंगे सरसों का तेल. नमक लिया है 1/2 चम्मच. और उसके बाद डालेंगे हम 1/2 ही चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची का. 1 नींबू लिया है. इसको कट करके हम इसे पूरे नींबू को इस चिकन में स्क्वीज़ कर लेंगे, निचोड़ लेंगे. इसको अच्छे से मिक्स करके हम 30 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रख देंगे. अगर आपके पास टाइम है तो आप 2 घंटे भी इसे रेस्ट करने के लिए रख सकते हैं. जब तक चिकन रेस्ट कर रहा है, हम सेकंड मैरिनेशन रेडी कर लेते हैं. 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों के तेल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था. थोड़ा सा ठंडा होने पर 1/2 चम्मच लाल मिर्ची का मैंने इसमें मिक्स कर दिया है. इस तरह मिक्स करने से हमारे चिकन की मैरिनेशन का कलर बहुत अच्छे से आएगा. 1/4 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला या फिर चिकन मसाला, 1 चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1/4 चम्मच नमक, 1 ही चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 4 चम्मच हंगकड़. सिंपल दही को मैंने 1/2 घंटे के लिए कपड़े में बांध के रख दिया था. तो हमारे पास ऐसा थिक दही तैयार हो गया है जिसे हम हंगकड़ कहते हैं. इसको मसालों के साथ मिक्स करेंगे ताकि लम्प फ्री बैटर हमारे पास रेडी हो जाए. चिकन को रखे 30 मिनट हो गए हैं. तो अब सेकंड मैरिनेट में हम इसे डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं अच्छे से चिकन के ऊपर कोट हो जाएं. और इसे भी हम 30 मिनट तक ढक कर रेस्ट करने के लिए रख देंगे. तो एक पैन को मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा है. 3 से 4 चम्मच तेल के डाले हैं. आप मस्टर्ड ऑयल या कोई भी रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं. सभी चिकन के पीसीस को इस ऑयल में डाल देंगे रोस्ट करने के लिए. ट्राई कीजिए, जो आप पैन ले रहे हैं थोड़ा मोटे तले का और थोड़ा ब्रॉड लें ताकि चिकन के सारे पीसीस अच्छे से कुक हो जाएं. तो 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इस तरफ से हम चिकन को पकाएंगे. 2 मिनट के बाद हम सभी चिकन के पीसीस की साइड चेंज कर देंगे और इस साइड भी 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे हम चिकन को पकाने के लिए रख देंगे. तो 2 मिनट के बाद हम फिर से चिकन की साइड चेंज करेंगे और मैंने अब फ्लेम लो कर दिया है और 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हम चिकन को पकाएंगे. फिर से हम चिकन की साइड चेंज करेंगे और 3 मिनट तक लो फ्लेम पे इसे भी हम पकाएंगे. तो यहाँ पर पहले मैंने 2-2 मिनट मीडियम फ्लेम पे चिकन को पकाया है और बाद में 3-3 मिनट के लिए दोनों साइड से चिकन को लो फ्लेम पे पकाया है. तो ये टाइम बिल्कुल सफिशिएंट रहता है चिकन को पकने के लिए. अंदर तक हमारा चिकन पक जाता है. तो चिकन अच्छे से पक गया है. तो मैंने अभी से अब एक जाली पे रखा है तंदूरी इफ़ेक्ट देने के लिए. तो डायरेक्ट फ्लेम पे अब हम इसे थोड़ा सा रोस्ट करेंगे ताकि ये पूरा ऐसे लगे ये तंदूर में बनाया गया है. अगर आपके पास ऐसी जाली नहीं है तो डायरेक्टली आप चिमटे से पकड़ के भी ऐसे इसे रोस्ट कर सकते हैं. तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम बटर लगाएंगे और इस चिकन की साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी तरफ से भी ऐसे ही रोस्टिंग इफेक्ट से हम देंगे. देखिए चिकन के ऊपर बहुत ही अच्छा सा रंग आ गया है.
देखने में ये तंदूरी चिकन जितना अच्छा लग रहा है, खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। हमारा तंदूरी चिकन टिक्का बनके रेडी है। तो मैंने इसे यहाँ पे सर्व किया है सैलेड के साथ और हमारी घर की बनी ही ग्रीन चटनी के साथ। रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।